राजद सुप्रीमो बिहार लौटाए हैं। लगभग 41 महीने बाद बिहार लौटे ही नहीं बल्कि वे दो सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के रैलियों में भाग भी लेंगे। 27 अक्टूबर को वे तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में लालू यादव बिहार लौटे हैं, सियासत पर क्या असर पड़ेगा, राजद को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर क्या राय है राजनीतिक के दिग्गजों का? राजद के सेहत पर कितना असर पड़ेगा चुनाव के समय लालू जी का प्रचार? मुझे लगता है कि हम लोग एक बार चुनाव एक बिना लालू जी के लड़ चुके हैं पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव, तो अब ये उनके लोगों का मूल्यांकन होगा कि लालू जी के जाने से क्या फायदा होगा, क्या नहीं जाने से नुकसान होगा। हम लोग तो इस चुनाव को जैसा मैंने कहा जीतने के लिए है। ये तमाम चेहरे पुराने चेहरे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसलिए इसका मूल्यांकन उनके द्वारा पूछिए तो ज़्यादा अच्छा। बिहार की सियासत में कितना बदलाव देख रहे हैं? लालू जी खुद बिहार के सियासत को बदलने वाले व्यक्ति का नाम है जी। 1974 से लेकर के जी लगातार लालू यादव जी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है जी। खुद भी 15 साल किंग बन करके काम किए हैं जी। चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लालू यादव अपने आप में सामाजिक न्याय के, सामुदायिक सद्भाव के एक बड़े प्रतीक के रूप में रहे हैं। इसलिए लालू यादव जाने से जो बेचैनी है विपक्ष में, तो बेचैनी खुद प्रदर्शित हो रही है उनके अनगत आरोपों से। हम निश्चित रूप से सीट जो है हमारा जो तारापुर कुशेश्वर स्थान भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या सियासत में बदलाव आएगा? जन जन के नेता हैं जी, पूरे लोगों में उबाल है जी। सियासत ये होगी कि यहाँ भूचाल आ जाएगा। हाँ, अभी तो जो है ना, हाँ, जल्दी भूचाल आ जाएगा पूरे बिहार, तारापुर और दोनों जगह जाएंगे भूचाल आ जाएगा लालू लहर हाँ। दोनों जी दोनों धन्यवाद।